कतर में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आखिरी मुकाबला आ चुका है। यह वर्ल्ड कप कुल 29 दिनों तक चला, जिसमें 64 मैच हुए और 32 टीमों ने इसमें भाग लिया। वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना, जिसने क्रोएशिया को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करी, वहीं फ्रांस, जिसने मोरक्को को हराया और अपना स्थान ग्रहण किया। इस बार पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ एक खिलाड़ी पर रहेंगी, लियोनेल मेसी, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और शायद अपना आखिरी मैच भी। अर्जेंटीना और फ्रांस इस बार 13वीं बार फुटबॉल के इतिहास में आमने सामने आने वाले हैं। पिछले 12 मुकाबलों में अर्जेंटीना का पलड़ा भारी रहा है, जहां अर्जेंटीना ने 6 मुकाबले जीते हैं, वहीं फ्रांस ने 3 जीते हैं, बाकी 3 मुकाबले ड्रॉ रही हैं। वर्ल्ड कप की रेस के अलावा एक और रेस है जिसमें मेसी और एम्बापे शामिल है, वो रेस है गोल्डन बूट की। दोनों के ही कुल टूर्नामेंट गोल 5 है और दोनों ही टॉप पे हैं। अभी देखना यह है कि आखिरी मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी बाजी मारता है। वर्ल्ड कप का यह फाइनल काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां फुटबॉल के उभरते सितारे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस खेल में महारत हासिल करने वाले दिग्गज। अब देखना यह है कि कौन अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलाता है। तो मैं सागर कुमार, कैमरामैन आयुष शर्मा के साथ गढ़कोटिया यूनिवर्सिटी से आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए कल तक न्यूज़।